kilometers, number of passenger 25 is, number of days 4 is, number of trip and then round trip. And what is this? Capacity, utilization. तो ये है सिस्टम, इसको निकालने का, यूनिट निकालने का. सो 10 इंटू 25 इंटू 30 इंटू 25 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 80%. हाउ मच इट कम्स? इट कम्स टू 12 लाख पर किलोमीटर पर पैसेंजर. How much will be your cost? How much will be your cost? Cost per passenger per kilometer. Sorry, last thing you need to capacity. 80%. Utilization. 1,51,200 divided by 12 lakhs. This comes to 0.126 per passenger per kilometer. So what will be the cost per round trip? 25 into 2 into 0.126. This will be 6.3. हो गया? याचिका ही है. हो गया जी. See, what was the third point? Can I, what would have been the cost per
राउंड ट्रिप. इफ ऑल एक्सपेंसेस गो अप बाय 20% एट सीटिंग कैपेसिटी एट 80% यूटिलाइजेशन. सो व्हाट विल बी योर इफेक्टिव कॉस्ट? What will be your effective cost? 151,200 plus 20% plus 30,240 1,81,440. So cost per passenger per kilometer will be 181,440 divided by 12 lakhs will be 0.151512 per passenger per kilometer. Cost per round trip 25 into 2 7.56. हो गया? Just write down the details of the fixed cost is known as standing charges. The first गराज रेंट, दूसरा रोड टैक्स, तीसरा इंश्योरेंस, चौथा मैनेजर सैलरी,
ऑफिस एक्सपेंसेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइवर्स वेजेस. नाउ वेरिएबल कॉस्ट रनिंग चार्जेस डेप्रिशिएशन पेट्रोल एंड डीजल लुब्री getting oil repairs and maintenance इसमें से जो repairs and maintenance है इसको आप अलग से मेंटेनेंस चार्जेस में भी क्लासिफाई कर सकते हो. यू कैन क्लासिफाई एज मेंटेनेंस चार्जेस. Tires and tubes. कौन सा पॉइंट ये टायर्स एंड ट्यूब्स. अब देखिए इसमें एक और चीज है कि जब हम इसको डिवीजन करते हैं इन दैट सिचुएशन ऑल द फिक्स्ड charges clubbed together. Together. And then divide it. And when we talk about variable, all the running charges should be separately. Running charges आपको सारे separately करने पड़ेंगे. Fix आपको एक साथ, बाकी अगर आप सारा mix भी कर दोगे तो चलेगा. But normally system क्या है, do it separately from the variable expenditures.
Now you see, Jaidika owns a fleet of taxi and the following information is available from the record maintained by him. Number of taxis 10. Cost of each taxi 20,000. Salary of manager 600 per month. Salary of accountant 500 per month. Cleaner 200 per month. Salary of mechanic 400 per month. Garage rent, insurance premium, annual tax, driver salary, and you have annual repairs. Total life of a taxi is about 2 lakh kilometers. Taxi runs in all 3000 kilometers in a month, of which 30% it runs empty. Petrol consumption is 1 liter for 10 kilometers and 1.8 per liter. Oil and other sundries are rupees 5 per 100 kilometers. एक चीज और थोड़ा सा पहले इसको देख लीजिए जो अभी आपने किया था कि जैसे इसमें इन्होंने कहा था कि नंबर ऑफ बसेस 10 है 25 किलोमीटर चल रहे हैं नंबर ऑफ पैसेंजर 30 है नंबर ऑफ डेज 20 है तो ये सब कुछ मल्टीप्लाई करके 12 लाख पर किलोमीटर पर पैसेंजर आपका कैलकुलेट हो गया। बट अगर आपसे ये पूछता डीजल एक्सपेंडिचर निकालिए तो उसके लिए फिर आपको इसमें बदलाव करना पड़ेगा। मतलब दो चीज हम निकालते हैं, एक पर पैसेंजर पर किलोमीटर तो कंपलसरी है, वो तो हम निकालते ही हैं। कभी कभी इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, बहुत बार ऑयल कंजम्पशन का डिटेल्स आगे क्वेश्चन में आएगा कि ऑयल कंजम्पशन बताइए, टोटल ऑयल कॉस्ट कितना हुआ। तो ऑयल कंजम्पशन की डिटेल्स के लिए व्हाट वी डू बेसिकली कि हम किलोमीटर्स निकालते हैं। अब देखिए इसमें किलोमीटर्स के लिए क्या क्या जरूरी है। नंबर ऑफ बस की जरूरत है, 25 किलोमीटर्स जरूरत है, नंबर ऑफ पैसेंजर की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ पैसेंजर की जरूरत नहीं है, डेज जरूरत है, राउंड ट्रिप 4 जरूरत है, टू राउंड ट्रिप चलेगा, ऑयल लगेगा, 80% इसकी जरूरत नहीं है। सो आप लिखिए इस क्वेश्चन के संदर्भ में कि कैलकुलेशन ऑफ, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ टोटल किलोमीटर्स रन, कैलकुलेशन ऑफ टोटल किलोमीटर्स रन। देखिए अगर टोटल किलोमीटर्स रन की बात आई, अगर मैं इसको यहीं पे जस्ट शो कर रहा हूं तो क्या होगा, टोटल्स किलोमीटर रन। देखिए 10 बस है, 25 किलोमीटर चलेगा, पैसेंजर की जरूरत नहीं है, 25 डेज वर्किंग होगा, 4 बार आना जाना ये हुआ 2, 4 बार और ये हुआ आना जाना, दैट्स ऑल। ये निकलेगा टोटल किलोमीटर्स रन।
10 × 25 × 25 × 4 × 2 50,000 किलोमीटर्स। ये ध्यान रखिएगा कि इसी क्वेश्चन के लिए अगर ऑयल कंजम्पशन की बात कही जाए कि तेल कितना खपत होगा, तो वो पैसेंजर पर नहीं खपत होता है, वो बस पे खपत होता है। और तेल खर्च के लिए उसको सीटिंग कैपेसिटी से मतलब नहीं है, आप आधा बस भर के ले चलिए, पूरा भर के ले चलिए, जो ऑयल कंजम्पशन है बस रन होगा तो लगेगा। तो इसीलिए इसमें से ये दो चीजें हट जाएगी, एक नंबर ऑफ पैसेंजर हट जाएगा, एक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हट जाएगा। 10 बस 25 किलोमीटर 25 नंबर ऑफ डेज, 4 बार आना जाना × 2। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें जरूरत नहीं पड़ा था बट आगे आपको जरूरत पड़ेगा। नाउ यू सी, अभी जो क्वेश्चंस है, सो इसमें क्या हो रहा है कि यहां पर टोटल क्या था, 3,000 किलोमीटर्स रन था, उसमें से 30% एम्प्टी है। तो लिखिए इफेक्टिव किलोमीटर्स टोटल इफेक्टिव किलोमीटर्स रन जो होगा वो होगा 3,000 किलोमीटर्स × 70%, सो 2,100 किलोमीटर्स। एंड एज आई टोल्ड यू that all the fixed cost will be summarized together and then divided. So likhiye, banayenge a statement of cost per kilometers. So we will have the particulars, we will have the particulars and then amount, and this is cost per kilometers. First of all, we'll write about fixed charges will be salary of manager, 600 rupees per month है। और दूसरी बात आपको यह भी ध्यान रखना है, अभी जस्ट इसी की कॉपी आप 10 बजे पढ़ेंगे, मशीन आवर रेट एग्जैक्टली सेम टाइमिंग है, और बिल्कुल ये समझेंगे तो वो आसान है, वो समझेंगे तो ये आसान है, बिल्कुल दोनों का जो कैलकुलेशन का तरीका है, प्रोसेस है, सिस्टम है, फॉर्मेट है, इंटायरली सेम है। तो जो बताने वाली बात है वो ये है कि आपका बेस क्या है, क्या उन्होंने आपको पर मंथ दिया हुआ है बेस, अबाउट द कॉस्ट, अबाउट द किलोमीटर्स रनिंग, तो ज्यादातर आपको पर मंथ ही दिख रहा है, कुछ परिणाम में है, यू फाइंड आउट इन पर मंथ। तो अगर पर किलोमीटर रनिंग किलोमीटर अगर पर मंथ का होगा, कॉस्ट भी पर मंथ लेना आपको। कभी कभी क्वेश्चन में बोल देंगे यू कैलकुलेट दिस कॉस्ट टेकिंग बेस एज 3 मंथ, टेकिंग बेस एज मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली, तो फिर जो बोलेंगे अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू डू। And then the third part, कि अगर खर्चे एनम में हैं तो
तो जो रनिंग किलोमीटर है वो भी एक साल का लीजिएगा, सिक्स मंथ तो सिक्स मंथ, मंथ तो मंथ, क्वेश्चन में जैसा आपको सिमिलरिटी इंफॉर्मेशन दिखेगा उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। अब इसमें ज्यादातर महीना है, 3000 किलोमीटर भी मंथ है, तो यू जस्ट फाइंड आउट इन मंथ, इट इज एज सिंपल एज यू अंडरस्टैंड। अब आइए सैलरी ऑफ मैनेजर, यू हैव गॉट 600 एंड सैलरी, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि फाइंड आउट ऑन क्वार्टरली बेसिस, तो फिर आपको नहीं चाहते हुए भी एवरीथिंग यू हैव टू कन्वर्ट इट टू क्वार्टर। सैलरी ऑफ अकाउंटेंट सर, इनकम टैक्स की एकाध बच्चे की है, आपको जाना चाहिए, बाकी तो बाकी का तो नहीं है ना। सैलरी ऑफ अकाउंट अकाउंटेंट, एक बजे से फिर है क्लास सर आप लोगों, हाँ जाइए जाइए प्रोग्राम वाले जाइए। सैलरी ऑफ अकाउंटेंट 500, सैलरी ऑफ क्लीनर 200, सैलरी ऑफ मैकेनिक 400, गैराज रेंट 600, योर एनुअल टैक्स। अब एनुअल टैक्स आपका कितना हो गया, 600 पर टैक्स ही है, तो 600 इंटू 10 एंड दिस शुड बी डिवाइडेड बाई 12, तो कितना हो जाएगा 500। और ड्राइवर सैलरी दैट इज 200 इंटू 10 2000 एंड देन यू आर हैविंग इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम इज 2,05,000, 10,000 डिवाइडेड बाई 12, 833.33। यू जस्ट फाइंड आउट द टोटल, फाइव सिक्स 33.33 डिवाइडेड बाई 2100 किलोमीटर्स इंटू 10 टैक्सी 21,000, 0.268 0.268 the left